नमस्ते, मेरी चैनल पर आपको स्वागत करती हूँ। 600 साल पहले महापुरुष अच्युतानंद ने जो ताल की पत्तों से लिखा है वो आज कैसे सच हो रहा है, और हम आपको बताएंगे आने वाले समय में और क्या क्या होने वाला है। माघ महीना में होगा ग्रीष्म और वैशाख महीना में होगा शिशिर, यानी इसका अर्थ माघ महीना में ग्रीष्म ऋतु पड़ेगा और वैशाख महीना में पड़ेगा शीत ऋतु। हमारी हिंदू महीना में 12 ऋतु वैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र पक्ष, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, और 6 ऋतु ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत। लेकिन हम सिर्फ ग्रीष्म, वर्षा और शिशिर या शीत, इन तीनों ऋतु को हम महसूस करते हैं। माघ की महीने में बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन ऋतु चक्र की परिवर्तन हो जाएगा और माघ की महीने में होगा ग्रीष्म ऋतु। इसी तरह वैशाख में होगा शीत ऋतु। 13 दिन में महसूस होगा 6 ऋतु, यानी ऐसा समय आएगा 13 दिन में आपको 3 दिन महसूस होगा ठंड और 3 से 4 दिन गर्मी और 3 से 4 दिन होगा बारिश, यानी आपको 13 दिन में सभी ऋतु देखने को मिलेगा। महापुरुष अच्युतानंद 600 साल पहले ये लिख कर गए हैं, लेकिन आज ये सत्य हो रहा है। अभी शीत ऋतु चल रहा है, लेकिन कुछ दिन ठंड पड़ती है और कुछ दिन बारिश हो रहा है और कुछ दिन बहुत गर्मी भी हो रहा है। आप देखा होगा कैसे आंध्र प्रदेश में बाढ़ आया हुआ है इस शीत के महीना में। आप भी न्यूज में देखा होगा कैसे नासा ने क्लाइमेट चेंज के बारे में कहा है। महापुरुष ने भविष्य मालिका में कहा है, ये संकेत जब तुम देखोगे तो जान लेना युग का परिवर्तन समय चल रहा है, यानी कली युग का अंत समय चल रहा है। चोरों का संख्या बढ़ जाएगा, चीना के साथ युद्ध होगा, पहले चीना भारत पर आक्रमण करेगा, विश्वासघाती भूरी श्रवा जन्म लेंगे असुर के अंश में, यानी इसका अर्थ चोरों का मात्रा बढ़ जाएगा। आजकल कितना लूट हो रहा आप देख रहे होंगे, और चीना भारत के ऊपर आक्रमण करेगा, यानी चीना मतलब चाइना भारत पर आक्रमण करेगा। विश्वासघाती भूरी श्रवा असुर कुल में जन्म लेंगे। जब महाभारत युद्ध हुआ था तब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा माया रचा कि भूरी श्रवा को युद्ध क्षेत्र में आने नहीं दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जानते थे भूरी श्रवा को भगवान शिव और ब्रह्मा जी की बल प्राप्त हुआ था, उसको कोई हरा नहीं सकता। वो युद्ध क्षेत्र में आ गया तो सबको हरा देगा, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में आने नहीं दिया। महाभारत युद्ध 18 दिन हुआ, लेकिन 18 दिन युद्ध नहीं हुआ था, कुछ मुहूर्त बाकी था और युद्ध खत्म हो गया। लेकिन उसी समय भूरी श्रवा युद्ध क्षेत्र में आया और देखा कि युद्ध खत्म हो चुका है, और वो निराश होकर भगवान श्री कृष्ण के पास गया। भगवान ने उसे निराश होते देखकर उसे एक बर दिया, इस महाभारत में जो मुहूर्त बाकी है उस बाकी समय कलयुग में संपूर्ण होगा, उसी समय तुम युद्ध करोगे। महापुरुष ने लिखा है भूरी श्रवा ने असुर के अंश में जन्म लेगा। आप देखा होगा चीन के लोग कैसे कुत्ते, बिल्ली से लेकर सब कुछ खा जाते हैं, जीता हुआ ऑक्टोपस, चमगादड़ भी खा जाते हैं, ये सब असुर लोग ही खाते हैं, और इसलिए महापुरुष ने भूरी श्रवा को असुर अंश में चीन में जन्म लेगा ऐसा लिखा है। इस बात को विचार कर शासन करें, केतुमला को आशा ना करें, विश्वास घाती है चीन। महापुरुष अच्युतानंद ने साफ लिखा है जो देश को शासन कर रहा होगा, यानी भारत सरकार, कभी भी केतुमाला यानी हिमालय के पूर्व की कुछ हिस्से को केतुमाला कहते हैं, उसको पाने के लिए आशा मत करना, उस केतुमाला को चीन कब्जा कर लेगा। ये सब कब होगा, जिस साल 4 ग्रहण पड़ेगा उस साल भारत और चीन के बीच घोर युद्ध होगा, तब भूरी श्रवा युद्ध करेगा। उस समय जो पाप कार्य कानों से सुन नहीं पाएंगे उसको आंखों से देखोगे। आज भी ऐसा ही हो रहा है, जिस पाप को आप कानों से सुन नहीं पाएंगे वो आज आंखों से देखने को मिल रहा है,
यानी अब कली युग का अंत समय चल रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और शेयर करें।